वंदे मातरम। क्या कार्यक्रम था आज? ये खेल कूद की प्रतियोगिताएं हैं जो विद्यालय से लेकर पूरे जनपद के बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से प्रतियोगिताएं करते हैं। लेकिन उनके काफ़ी खेल हैं जिसमें डिस्क थ्रो है, गोला फेंक है, कबड्डी है, खो खो है, जो हमारे ट्रेडिशनल गेम है वो सब भी है। साथ में ऊँची कूद, लंबी कूद, सभी तरह के खेल इसमें समाहित किए गए हैं और बच्चे उनको खेलने के लिए आज इकट्ठा हुए पूरे जनपद। और अद्वितीय कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष निर्धारित कैलेंडर के आधार पर आयोजित किया जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारी कक्षा एक से आठ तक की स्कूलिंग की तरह एजुकेशन कहते हैं उसके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और यहाँ पे जनपदी जो मुझे लगता है कि अपने विद्यालय लेवल से क्लस्टर पे आए, क्लस्टर से ब्लॉक में आए और ब्लॉक से जो बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन वाले हैं वो यहाँ तक आए और आगे यहाँ से जो बच्चे अच्छे होंगे वो सीधे मंडल पे जाएंगे, मंडल के बाद स्टेट पे जाएंगे और नेशनल लेवल की भी जो प्रतियोगिताएँ होती हैं उनमें भी इनमें से जो बेहतरीन बच्चे निकलेंगे वो जरूर। सर, ये सरकारी विद्यालय के बच्चों को ये खेलकूद में लाया जा रहा, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, उद्देश्य होता है खेलकूद हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसके बिना हम रह नहीं सकते, विशेष तौर से विद्यार्थी जीवन में। आप देखते हैं खेल कूद के बहुत से प्रकार हैं और बहुत सारे लोग आज की तारीख में खेल कूदों को अपना भविष्य भी बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे वॉलीबॉल के लोग हैं, बैडमिंटन के लोग हैं और इसके अलावा क्रिकेट के लोग हैं, इन्हीं में से निकल के जाते हैं जो देश विदेश में अपने देश का परचम लगाते हैं।